चरणा विराजमान। गुरु रूप प्यारी साथ सभी जीवो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नौ गुरबाणी के नाल आप जी जोड़ रहे सन उस वाहेगुरु के अगे उसकी वंदना उसनों किवें जपना है किवें आराधना है किवें उसके विच इकमिक होना है ये सानू गुरबाणी की जीवन मनोरथ साडा की है असं किस पास चल रहे हाँ ये सानू हर वक्त सुचेत करती है पावन बाणी। तो सत्संग जी जो असी बाणी आशय अनुसार जीवन बना लेंगे तो साडा जीवन बड़ा सहज ते सुखमय हो जाता है। जिवें इसके विपरीत चलने की कोशिश करते हैं उतने ही दुखों में चिंतावान के लिए गिर जाते हैं। कहते चिंतावान तो दुखों तो जो मुक्ति चाहिए है हर वेले उस वाहेगुरु का उदासा लैके चलना उस मालिक के चरणों में अरदास करनी है जो सब कुछ करते क्रम में संभालते हैं। सत्संग जो विश्वास विसाह भरोसा एक ते लिख जाता है फिर बंदे को चिंता रह नहीं जाती। चिंता करने वाला बंदा कदे चिंतन नहीं करया करता ते चिंतन करने वाले को चिंता करने की लोड़ ही नहीं रहती। यकीनन कदे भी विश्वास करके ऐसा सोच के देख लो चिंता वो करता है जिसका करता भाव प्रबल है जिहड़ा अपने दुखां सुखां का कारण किसी होर नूं मनदा है वो चिंता विच रहिंदा है। जदों सब समझ आ जाएगी कि सब दे सिर ते अपने कर्मां दा निबेड़ा है ते सत्संग जी ये भी समझ आ जाएगी कि लेखे कदे ना छुटीए किन किन भुलण नाल ये भी समझ आ जाएगी। लेखियों में पै के असं छुट नहीं सकते असी हर पल जाने अनजाने पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं। सत्संग जी वो बख्शण हार का दार पिता जो कोई उसकी शरण में आ जाता है शरण आवे तो संकट लावे कि उसका बिरद है तो अपनी बिरती बैठ सकता है। अरदास दर्शन रूप अभिलास पुस्तक डॉक्टर जसवंत सिंह नेगी जी की लिखत उसनों आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं विचार की गुणन की कोशिश भी कर रहे हैं तो पता नहीं कदों कि अखर साढ़े जीवन में तब्दीली ले आवे। गुरबाणी तो आखती है ना किनका एक जिस जीव वसावे ताकि महिमा गणी ना आवे जिन्हें किनका मात्र भी हिरदे में वसा लिया उसकी महिमा कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए सत्संग जीओ आप भी विचार करना है कि आप किस पासे तुर रहे हैं तो गुरबाणी सानू की समझाती है। सिख विचारधारा में सब तो वड्डा विसाह वाहेगुरू का विसाह है। सिख विचारधारा में सब तो वड्डा विसाह जो है वह वाहेगुरु का अकाल पुरख का है। तो सत्संग जी हम सब के जेकर आपर धर्म देखते हैं जिम्मे हिंदू धर्म की गल करिए सत्संग जी उन्होंने बड़े देवी देवते किसी की श्रद्धा किसी से बनती है किसी की श्रद्धा किसी से बनती है मुबारक है सब लोग मुबारक है जिसकी जिसकी श्रद्धा बन जाए पर सानू तो इन सारे ही कोई सोचने की जोड़ नहीं कि सानू तो केवल एक अकाल पुरख वाहेगुरु से विश्वास करने की गल की है तो सेध लैनी है गुरु ग्रंथ साहब जी साढ़े उस कितने क्योंकि सात समझो तुम दस जने पर पूछ जाओ है ना अपने जीवन का ज्योतिष हरेक अपना विज्ञान है ज्योतिष भी विज्ञान है हूँ वो अपने अपने जो तुम वक्रे वक्रिया कहते ना अपने अपने धर्म से खैर आप नहीं मनते ना कुंडली बनतिया ने कुछ होंगे पर जेडे मनते हैं जो दस जने को भी वक्रे वक्रे जाएंगे ना पूछन बेशक एको समा जो जन्म का समा कोई है जेड़े जो गिनतियां मिनतियां करके दसते हैं गुलांक है जो भी जो कुछ है वो सब कुछ एक है पर तुम दस वक्रे वक्रे जे ज्योतिष विज्ञान के महार जिन्होंने हासिल की हुई है या वो अलग ज्ञान अर्जित किया होया है दस को वक्रे वक्रे जाके पूछोगे ना दस ने कुछ ना कुछ वक्रा दसना है पर गुरु ग्रंथ साहब जी तो सारे सारी खलकत आ जाए ता भी वो एक ही गल दसणगे जो गुरु ग्रंथ साहब जी लिखी है उसके कोई किंतु परंतु नहीं है कितने ये नहीं है कि इसको बदल के ये गल वक्री है कि कोई उसके अर्थ अपने ढंग ने लिख करके तो उसको किसी को मुगालते पा दे वो गल वक्री है पर गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी तो सब के वास्ते एको ही विचार दृढ़ करवा रही है एको जि समस्या का हल दस रही है वो चाहे किस धर्म का है किस
चाहे वह किस जात का है किस बरादरी का है उसमें कोई फर्क नहीं है। हूँ सत्संग कई धर्मों में हरेक के जो जो युक्तियां दसिया जा भी वक्रिया वक्रिया दसिया जा कई सत्संग मंत्र दसे जाते हैं वह भी वक्रे वक्रे दसे जाते हैं पर इतने के सब वास्ते इको मंत्र है इको जाप है इको तरह दाणिया ने इको तरह के एक समस्या का समाधान है तो इस हुक्म आएगा तो सब वास्ते इको जहाँ उसको किमें समझ रहे हाँ आप किस आशय लै रहे हैं यह गल वक्री हो सकती है पर यह नहीं हो सकता कि उस किधरे कोई वक्रा कुछ कुछ दसिया जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी सर्व साझी वार्ता का पावन उपदेश दिंदी है इसलिए सानू दसना कीता है कि सिख विचारधारा में सब तो वड्डा विसा जो है वह वाहिगुरु का विसा है। केवल इहो एक विचार है जो सभना का विसा है एक एक सब पासे साड़ी आसिकता की साखी देता है कि दूजे पासे वाहिगुरु की आजन आसिकता दे अंग संगता भी दसता है यानी एक तो सानू ये दृढ़ करवाता है कि वाहिगुरु है उसकी होंद है वो अठे पैर आजन नाजन है तो सत्संग जो दूजा साड़ी आस्था उस विच है असी उसको मन रहे हाँ तो जो मन रहे हाँ तो सत्संग उसके मुताबिक उसके गुरु के अनुसार ही जीवन बना लीए जे असी मनते हाँ वो वाहिगुरु ही है सब कुछ करण कराउण दे समर्थ है गुरबाणी सानू ये पावन संदेश देती है तो एक तो असी उसकी आस्थता देश परदेश किथे भी हो परमात्मा साडे अंग संग है घर बाहर तेरा परवासा तू जन के है सब जन जेड़ा उस तो बढ़ जाता है इसलिए गुरबाणी अक्सर तुम वेख्या होगा जन नानक जन इस तरह के शब्द की वरतों की गई है जेड़े उसके बन जाते हैं जिमें गुरबाणी है ना संतों के कारज आप खलोया हर काम करा आया हूँ उसका कोई बन जाए फिर उसके हरेक कारज में वो ना आए फिर कुछ कहना गुरबाणी जो कह रही है जो तो उसके पूर्ण मुकम्मल उसके अनुसार ही जीवन बना लिया है तब ही उसको वो टासरा सू उसका वो टासरा मिलेगा असं फिर इधर इधर डोलते भी रहिए फिर कही जी सा मुराद पूरी नहीं होती फिर कितने कहें ना सूझवान आख देने ना एक केंद्र बिंदु तो यात्रा कोई शुरू करता है चलना शुरू किया कुछ रस्ते चला गया सीधे रस्ते चलिया तो फिर उसने कहा भी नहीं ये रस्ता तो तेरे लिए ठीक नहीं है इसमें तो तेरा कुछ नहीं काम संभलना वो वापिस आ गया जिसने दसिया उस रस्ते तो जा उसने उस रस्ते तो जाना शुरू कर दिया उत्थे थोड़ी दूर अगे गया उत्थे फलाने बंदा मिलिया उसने कहा कि इंज तो कम तेरा नहीं चलना है तो तू सही दिशा नहीं चुनी हूँ सत्संग जो जो बार बार वो दिशा ही बदलता रहेगा तो उसने मंजिल पर कदों पहुँचना रस्ता ही गलत बार बार भटक रहा है तो फिर तो उत्थे हो गया ना जिस जिस केंद्र बिंदु तो यात्रा शुरू की उसते की उस तो अगे तो की जाना से उस तो पिछा चला जाएगा हूँ नवे सिरोपे चलो जी इसलिए एक तो विश्वास करके जो चलेंगे तो फिर सारे कार्य अपने आप रास होंगे जाएंगे क्योंकि उस रब तो वड्डा तो कोई नहीं है ना उस वाहेगुरु तो वड्डा तो कोई नहीं है ना सब को बनाने वाला सब को ज्ञान देने वाला सब को उपदेश करने वाला तो वह परमात्मा है। फिर सत्संग जो आप एक भी टेक पर आसरा लेते हाँ भरोसा करते हाँ फिर सत्संग जो जिस दिन भी असं उस आवेंगे उन्हें भी सानू वो सानू मार्ग तो विचलित नहीं कर सकेगा भटका नहीं सकेगा ये यकीन करो फिर सानू मार्ग तो कोई भटका नहीं सकता इसलिए क्या ना एक आसरा प्रभु मनवाई सर्व रोग नानक लग जाए सारे रोगों को तू मुक्त हो जाएगा कोई रोग तेन चिमड़ ही नहीं सकता क्योंकि सत्संग जो ये वहम भी तो अपने आप में इन्ना वड्डा रोग है मानसिक बीमारियां तो इस न लगदियां ने ते जिहड़ियां शारीरिक बीमारी तो ही ज़्यादा भयावह रूप ले लैंदियां ने सोचण की शक्ति ही खत्म हो गई तो फिर की करांगे मानसिक रोगी तो बड़े बड़ा ही उन्होंने हालत खराब है इसलिए सत्संग जो इन सारे रोगों को बचना है प्रपंचा विचों पैना बंद करके अपन गुरबाणी आशे अनुसार जीवन बनाना पवेगा तो एक तो विश्वास रखना पवेगा घर बार तेरा परवासा तू जन के है सन ये दृढ़ होवे साडे अंदर जिन्हों के भी अंदर वाहेगुरु का विसा जाग पैंदा है उन्होंने आत्मक अवस्था सहज ही उतम हो जाती है
जेकर सस ने विश्वास पूरा नहीं तो निमाण वाल जाना शुरू हो जाएगा, वहम भरमा में पटकेगा। वहम पर जितने वहम भरमा में जाएगा उतने ही इसमें चिंतावान घेर लैंगी, क्योंकि सही रस्ता इसमें मिल ही नहीं सकता। फिर कोई हरेक ने अपने हिसाब से दसना है, फिर किसी ने कहना भी इंज करने वाले इंज हो जाएगा, पुराने डेरे पर चला जाए तो इंज हो जाएगा, फिर तो तू घूमता ही नहीं गा। असल तेन सही रस्ता मिलना ही नहीं। जे गुरबाणी में कहते हैं ना, जे इस दर तो नहीं मिलिया ना तो उस ना मिलने में भी कोई भलाई छिपी होगी, तू भटकना बंद कर दे। जे इस दर तो नहीं मिलिया उस ना मिलने में भी कोई भलाई छिपी होगी, तू बस दर दर से भटकना ठोकरा खानिया बंद कर दे। एक दा बन के रह तो फिर सांस खिंचो, फिर जे तू उसका हो जाए तो सारा जग तेरा है, रब तो तेरा है ही है, फिर सारा जग भी तेरा ते रब भी तेरा। जे फिर भटकता रहा तो फिर ना जग तेरा ते ना रब तेरा। इसलिए भटकना तो बचना है तो एक दा उदासना लेना पवेगा। पति ये आई जिन जन के इनको पदवी उच्च हुई, यानी ओदी पदवी ओदा आसन उच्चा हो जाता, ओदी आत्मक अवस्था उच्ची हो जाती, यानी वो दुनिया भी ओदे नाल ना तोलन लग जाना भई ते आप ते गरीब है ते उपदेश इस तरह करता है ना, उसका उसकी मानसिक आत्मक अवस्था जड़ी है जिन्नी उच्ची हो जाती है, फिर सासन जी को फिर दुनियादारा नु वो माया नाल नहीं जोड़ता, उसके ओदे नहीं देखता, उसके अंदर इंसानियत कितनी है उसकी कदर करता है, उसके अंदर रब की बंदगी कितनी है उसकी कदर करता है। तो यकीनन वो ता ही करेगा जो उसके अंदर आप कोई इस तरह का इनका प्यार का होगा तो विश्वास का होगा। कहती ने उन्होंने मेरी मिनत मेरी मैं मेरी जो है मिनत कहती है वो अपने मालक की शोभा एक वेक दिवसते हैं, इसके उल्ट जिन्हों के अंदर विसार नहीं जाता प्रतीत नहीं आती वो विकारा के अंदर विसरते रहते हैं। वाहगुरु के विसा वाले सिख परिभाषा में गुरमुख ग्रंथ कहते हैं कि विसा हीन मनमुख आखते हैं, जिंदा विश्वास नहीं है वो मनमुख है क्योंकि अपने मन के पिछे लगे उठता है। तो सत्संग जिहड़ा जिसमें विश्वास मुकम्मल है पूर्ण है वो गुरमुख है, उसमें गुरु की बात प्यारी लगती है, गुरु वल मुख है उसका। तो सत्संग जो तो साड़ी पिट हो जाती है गुरु वल, तो जो गुरु वल पिट हो गई तो फिर असं अपने मन के पिछे तुरने हैं, तो जिन्हें मन के पिछे भजागे उन्हें ही भटकना नजर आवेंगे। इसलिए क्योंकि इसका दोनों में विरोधाभास है ना, जो तो गुरु की सुन के चल रहे हैं उसके अनुसार ही जीवन बनाया मन उठे फिर काबू जाना शुरू हो जाएगा, मन भी सुनते रहे तो फिर गुरु की तो सुनी नहीं तो इसलिए मन हमेशा भटकावेगा भटकना में रहेगा। मन बस विखराती आता है जिम्मे गुरबाणी आया मन प्रतीत बनी प्रतीरी विनस गई कौमे मत मेरी, इन्हें जो विश्वास बनिया मेरी कौमे मिट गए मैं मेरी भी मिट गई, तो वो मत जी सी ना ओछी मत सी जी वो भी खत्म हो गई। मन नीमा मन दूजी ये अरदास करते हैं, मन नीवा होगा मत उच्ची होगी, तो जो मत नीवी हो गई तो फिर मन भी उछलिया फिरेगा, तो जिन्ना मन उछलिया फिरेगा उतना साड़ी भटकना बन जाएगी। ये गुरबाणी सुनो हरेक अखर में सानू समझाती है, असं मूड समझने की कोशिश नहीं करते, आप ही भटकना में बह जाते हैं। तो सास जो असी सहजे 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 जिमें जिमें बाणी को समझा ना तो फिर आप अंदर अपने अपने पड़तोल करनी शुरू करा आप खड़े कितने साड़ा जीवन कितने जा रहा है, कितने बेशकीमती सुवासा तो असं मिट्टी के पार हो गए। कहते बंदे मूर्खा क्यों रब न भुलिया, वो सुचे मोतियां मिट्टी में भुलिया, बेशकीमती सुचे मोती इनू क्या माणक लाल क्या ना, इतने बेशकीमती ने सासवी जो इनू असं अजाई बोल रहे हैं, तो कदे ख्याल ही नहीं आता कि कितनी जिंदगी बीत गई है कि दिख रही है तो उसमें किमें सवारना है। तो जो सास में जो वो वाहेगुरु कृपा करता है फिर अंतर आत्मी जाति मारनी शुरू होती है, फिर अपने गुणा नज़र आते हैं दूजे के गुण दिसते हैं, फिर असं गुणा की रीस करते हैं जिम्मे गुरबाणी आखती है गुणा का होवे वासना फिर वास नहीं जय, जे गुण होवन साजना में सांझ करी जय सांझ करी जय गुणा किरी छाड़ अवगण जाए, अवगुणा में छड़ते जाइए गुणा की सांझ पाइए जिते भी जाइए भला भला गईए तो भला ही सुनिए, जिसके नाल साडा जीवन सफल हो सके। कोई कड़ी प्यार की एक विश्वास की हलीमी की साड़िया इन्हों सखनिया चोरिया में दाता पा दे, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुखे
नानक कृपा आप मेरे व्यवस्था बन सके पुलना चुका महा बख्शियो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।